ABPS न्यूज। हर तरफ ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ग्राम प्रधान कोई काम नहीं कराते, लेकिन हमारी टीम जब बरेली के नौसना गांव में पहुंची तो वहां पर ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि शायद किसी अन्य जनप्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र में कभी इतना काम नहीं कराया होगा। हम बात कर रहे हैं नौसना गाँव के ग्राम प्रधान राहुल कुमार पटेल की, जिन्होंने अपने गाँव में 16 खड़ंजे, पंचायत घर की मरम्मत, जूनियर हाई स्कूल में शौचालय की मरम्मत, 4 दीवारी और गेट, प्राइमरी स्कूल में मॉडल शौचालय की मरम्मत, रैंप, 25 स्ट्रीट लाइटें, शमशान घाट का निर्माण, कब्रिस्तान की बाउंड्री, 70 बिजली के खंभे, वृक्षारोपण के जरिए भी इन्होंने पूरे पर्यावरण को अपने गांव में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की। साथ ही साथ इन्होंने 12 लोगों को छत की भी व्यवस्था की है, उन्हें आवास दिलाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितने काम कराए हैं उससे कहीं ना कहीं उनके गाँव के लोगों को फायदा जरूर मिलेगा और गाँव का विकास भी दिखाई देगा। लेकिन जब बात केंद्र और राज्य सरकार से सेवाओं की मांग की आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ ना तो बारात घर है, ना ही स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र भी अभी नहीं बन पाया है। साथ साथ जो आवास उन्होंने दिला दिए हैं उन्हें छोड़ दें तो 10 और आवास की आवश्यकता है। इसके अलावा 8 रास्ते जो CC रोड बनवाने हैं उसके लिए भी अब उनके पास खाते में पैसा नहीं होने की वजह से ये काम रुके पड़े हैं। उन्होंने मांग की कि यदि सरकार समय रहते पैसा भेजती रहे तो गांव के विकास में 4 चांद लगाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे गांव की सबसे ज्यादा आवश्यकता जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है, क्योंकि उनके यहाँ से 32 किलोमीटर दूरी पर जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय दूर होने के कारण लोगों को दवा लेने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर होना पड़ता है। राहुल कुमार पटेल, ग्राम पंचायत नौतना, विकास खंड मीरगंज, जनपद बरेली। मैंने 16-17 वित्तीय वर्ष में जो कार्य कराए उनका विवरण, 15 खरंजे डलवाए, प्राथमिक विद्यालय में शौचालय की मरम्मत, आंगनबाड़ी केंद्र में की शौचालय की मरम्मत, प्राथमिक विद्यालय में रैंप का निर्माण कार्य, जूनियर हाई स्कूल की 4 दीवारी की मरम्मत, जूनियर हाई स्कूल के शौचालय, पंचायत घर की मरम्मत और 16-17 खंजे डलवाए, 16-17 खंजे डलवाए माननीय मंत्री जी द्वारा, शमशान भूमि की 4 दीवारी का निर्माण कार्य कराया, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कब्रिस्तान की 4 दीवारी का निर्माण कराया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण में क्षेत्र में 11,000 वोल्टेज, 1 ट्रांसफार्मर, 70 खंभों को लगवाया गया। मैंने 50 विद्युत कनेक्शन निःशुल्क कराए। गांव में 50 विधवा पेंशन मंजूर कराई। गांव में 41 वृद्धावस्था पेंशन मंजूर कराई। 10 विकलांग पेंशनें मंजूर करवाई और कृषि आवंटन के 5 पट्टे दिलाए, वृक्षारोपण के 23 पट्टे दिलाए, आवास के 2 पट्टे दिलवाए एवं गांव में गरीबों के लिए इंदिरा आवास 3 आवास बनवाए। और गांव के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि गांव में विशेष सफाई व्यवस्था सुदृढ़ एवं अच्छी प्रकार से रखें, सफाई का विशेष ध्यान दें, धन्यवाद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की विशेष आवश्यकता है, 1 बारात घर की आवश्यकता है, अच्छे पानी के लिए टंकी की आवश्यकता है। उसके लिए मैं जनप्रतिनिधि एवं उच्च अधिकारियों से